हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका कॉर्नर। आज हम 2.5 मीटर फैब्रिक से इस तरह का सेमी पटियाला बनाने वाले हैं, वो भी ब्लैक कलर में है। और ये फैब्रिक मैंने सिंथेटिक में लिया है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। इसकी हाइट मैंने 39 इंचेस रखी है। तो चलो इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह का सिंथेटिक में 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इससे हम सबसे पहले बेल्ट की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले एक कॉर्नर से हम बेल्ट की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से इस फैब्रिक की चौड़ाई है 20 इंचेस। तो मुझे 20 इंचेस का ही चौड़ाई में चाहिए बेल्ट। आपको कम ज़्यादा लेना हो तो यहाँ से कम या फिर ज़्यादा ले सकते हैं। मुझे ये बेल्ट 7 इंचेस का चाहिए और 2 इंचेस में ज़्यादा रखने वाली हूँ। तो इस तरह से हम 9 इंचेस पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से सीधी लाइन खींचते हुए कट कर देंगे फैब्रिक को। हमारे पैंट की फुल लेंथ है 39 इंचेस। हम बेल्ट लगाने वाले हैं 7 इंचेस का और 32 इंचेस का वो घेर वाला पार्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बेल्ट हम कट कर देंगे 7 इंचेस का। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ पे होल्डिंग के लिए। तो हमारे बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम घेर वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले इस फैब्रिक को हमें फोर लेयर में फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को सबसे पहले फोल्ड कर लिया है 4 लेयर में। आप देख सकते हैं ये फैब्रिक मेरा 4 फोल्ड है। जहाँ से हमारा पैक वाला साइड है वहाँ से हम बॉटम का मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट लेना है। यहाँ से ऊपर में बेल्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी फुल हाइट आ जाएगी 32 इंचेस। तो हमें 32 इंचेस पर निशान लगाना है क्योंकि 7 इंचेस पर हम बेल्ट लगाने वाले हैं। तो 32 लेना है हमें। 32 इंचेस का ये पूरा पार्ट लेना है और 2 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ देना है बॉटम पट्टी के लिए। तो यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच देनी है 32 इंचेस पर और 2 इंच एक्स्ट्रा यानी 34 इंचेस पर ये लाइन खींच देनी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से बॉटम का मेजरमेंट लेना है। तो हमें बॉटम लेना है 7 इंचेस का। आप कम ज़्यादा रख सकते हैं और 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे मार्जिन के लिए। तो अब हमें ये पूरी हाइट लिए हमने 34 इंचेस। तो 34 इंचेस के 1/2 कर देने हैं हमें। तो हमें ये 34 इंचेस है हमारा ये फैब्रिक। तो 34 इंचेस डिवाइडेड बाय 2 करना है तो हमारे 17 इंचेस आ गया है। तो हमें ऊपर से 17 इंचेस पर मार्क कर देना है। ये पूरे हाइट में आधा लेना है सिर्फ। इससे क्या होगा कि हमारा जो चुन्नटें आएंगी वो बढ़ जाएंगी थोड़ी सी। तो इस तरह से हम 17 इंचेस पर मार्क कर दिया है। और ये जो बच जाएगा फैब्रिक उसे हम यहाँ सीट की तरफ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्रॉस लाइन खींच देनी है। अब हमें बॉटम से और ये क्रॉस लाइन कट कर देना है और ये यहाँ अटैच कर देंगे। इससे सिलना बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं सेमी पटियाला को। और ये जो पार्ट हमने कट कर लिया है वो यहाँ इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ से भी ओपन कर लेंगे फैब्रिक को। यहाँ अटैच कर देना है। ये कॉर्नर वाला पार्ट एकदम सीट की तरफ आना चाहिए इस तरीके से। तो ये क्रॉस लाइन एकदम मैच करते हुए रख देना है। और ऊपर से हमने ये जो लाइन खींच दी थी 34 इंचेस की वो दिख रही है। यहाँ से हम सीट का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से सीट हमें 8 इंच पर लेना है क्योंकि हमने बेल्ट लगाया था 7 इंचेस का। तो ये बराबर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सीट की भी कटिंग हो चुकी है। इससे क्या होगा कि चुन्नटें बहुत बढ़ जाएंगी और पटियाला एकदम घेरदार दिख जाएगा हमारा।
तो हमारे पटियाला की कटिंग पूरी हो चुकी है, अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दिया था उसको उसकी सिलाई कर देंगे। और ये बच गया फैब्रिक, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे खोलना है। अब हमें जो ये हमने कट कर लिया था वो अटैच कर देना है इस साइड में। तो इस तरीके से ये उल्टा रख देना है एक के ऊपर एक और सिलाई करते जाना है। चारों कट्स हम जोड़ देंगे, इस पॉइंट को मैच करते हुए रख देना है और यहाँ से सिलाई कर देंगे। दूसरे साइड में भी इसी तरीके से ये फैब्रिक रखना है और यहाँ सिलाई कर देंगे। और ये दो स्ट्रिप है वो दूसरे साइड में अटैच करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं इस टाइप हमने अटैच कर दिया है फैब्रिक को दोनों साइड में, दोनों पार्ट में इसी तरीके से हमने अटैच कर दिया है। अब हमें बॉटम में स्ट्रिप अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से मैंने बकरम कट कर लिया है 1 इंचेस का। हमने यहाँ पे 2 इंचेस पार्ट रख दिया था, तो हाफ इंच फोल्ड में जाएगा और ये हाफ इंच और एक फोल्ड में जाएगा। और यहाँ से 4 सिलाई कर देने हैं हमें स्ट्रेट लाइन में। दूसरे साइड के बॉटम में भी इसी तरीके से 4 लाइन खींचते हुए सिलाई कर देनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बॉटम तैयार कर लिया है। अब हमें सिप पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हम एक के ऊपर एक फैब्रिक रखेंगे उल्टा और सिप में दोनों साइड में सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सिप में सिलाई कर देनी है दोनों साइड में, और साथ ही साथ हम फिटिंग की भी सिलाई लगा देंगे। तो आपको बॉटम जितना लेना है उतना ले और सिलाई कर देनी है पूरी गोलाई में। तो हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई भी कर दी है। आप देख सकते हैं फिटिंग की सिलाई लग चुकी है, पूरे घेर में हमने लगा दी है फिटिंग की सिलाई। अब हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 32.5 इंचेस है, 0.5 ज़्यादा है तो वो सिलाई में दब जाएगा। तो इस तरीके से बेल्ट का फैब्रिक लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसकी चौड़ाई बढ़ाने में, लेकिन मेरे मेजरमेंट से बराबर है तो मैं यहाँ में बढ़ाऊँगी नहीं। तो इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे ऊपर से 2 इंच तक फैब्रिक छोड़ के, नीचे में सिलाई लगा देनी है हमें स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरीके से मैंने सिलाई भी लगा दी है और ये ऊपर वाला फैब्रिक जैसे हम कट लगाते हैं उस टाइप कर देना है। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को भी सिल दिया है। अब हमें 1/2 इंच तक फैब्रिक फोल्ड करके नॉट लगाने के लिए गोलाई में सिलाई कर देनी है। इस तरीके से गोलाई में पूरी गोलाई में सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई भी कर दी है पूरी गोलाई में। अब हमें पीछे वाला सेंटर निकाल लेना है। इसकी हाइट है 7.5 इंचेस, तो 1/2 इंच यहाँ दब जाएगा तो 7 इंचेस आ जाएगा हमारा ये बेल्ट। तो इस तरीके से पीछे में कट लगाएंगे ताकि पहचानने में आ जाए हमारा पीछे वाला साइड। अब इस तरीके से हमें चुन्नटे लगाने हैं। तो ये वाला पार्ट छोड़ देना है और दूसरे साइड वाला पार्ट छोड़ के हमें जो सीट वाला है वो सेंटर में मैच करते हुए अटैच कर देना है बेल्ट में। तो सबसे पहले आगे में से हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए हमें चुन्नटे लाना है बड़े बड़े, करीब 1.5 या 2 इंचेस के हम चुन्नटे लगाएंगे पूरे बेल्ट में। तो हमें बड़े बड़े चुन्नटे लगाते हुए इस तरीके से सिलाई कर देनी है। हम इस तरीके से रखेंगे फैब्रिक को सेंटर से सेंटर मैच करते हुए और बड़े बड़े चुन्नटे लगाने हैं करीब इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और दूसरे साइड से, रॉन्ग साइड से, राइट वाले साइड में हम चुन्नटे लगाएंगे।
और ऊपर से प्रेस सिलाई भी कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने चुन्नटे लगा दी है दोनों साइड में और ऊपर से प्रेस सिलाई भी कर दी है। अब हमारा पैंट बनके बिल्कुल रेडी है। ये हमने 2.5 मीटर फैब्रिक में सेमी पटियाला की कटिंग और स्टिचिंग देखी है और बहुत आसान मेथड से हमने बनाई है। आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ गई हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा पटियाला बन के रेडी है, कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। आप देख सकते हैं इस टाइप एकदम घेरदार पटियाला बन के रेडी है। और ये डिज़ाइन आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।